हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 12th बायोमोलिक्यूल्स से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, वो है विटामिन्स। क्या होता है विटामिन्स? तो विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी माइन्यूट अमाउंट में नेसेसरी है, बट हमारी बॉडी में नहीं फॉर्म होता है। तो हमारी बॉडी में इसकी फॉर्मेशन ना होने से हमें इसे फूड में सप्लीमेंट्री की तरह लेना पड़ता है, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाती हैं। तो हम फूड में एज ए सप्लीमेंट्री इनको क्या करते हैं, लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी ना हो और ना ही कोई डिजीज़ कॉज हो। तो ये माइन्यूट अमाउंट में नेसेसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और अदर जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए क्या है, कंपलसरी है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑल टाइप्स के विटामिन्स को, उनके केमिकल नेम, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ एंड उनके सोर्सेज को, कि कहाँ से वो हमें ऑब्टेन होंगे या हम अपने मील में किन चीज़ों को इंक्लूड करें जिससे इन विटामिन्स की क्या हो, डेफिशिएंसी ना हो। तो फर्स्ट कॉलम में मैंने लिया है विटामिन, सेकंड केमिकल नेम, थर्ड डेफिशिएंसी डिजीज एंड फोर्थ सोर्सेज। तो फर्स्ट यहाँ पे विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ कॉज होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। इसको हम जीरोथैल्मिया भी कहते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है कि जीरोथैल्मिया डिजीज़ किसकी वजह से होती है, तो आप क्या कहेंगे, विटामिन ए से। तो इस डिजीज़ में होता क्या है, एक तो हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, साथ ही साथ जो हमारी आई का पार्ट है कॉर्निया, उसमें जो होता है धुंधलापन आ जाता है, उसी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोथैल्मिया। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, हमारी आई के स्ट्रक्चर में जो सबसे इनर पिक्चर स्क्रीन होती है, मेनली जहाँ पे पिक्चर बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना होती है। तो रेटिना से आप क्या याद रखेंगे, रेटिनॉल। ये केमिकल नेम है किसका, विटामिन ए का। इसके सोर्सेज हैं राइप येलो फ्रूट्स, जितने भी पके हुए पीले फ्रूट्स होंगे, गुआवा, मिल्क, कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और मेनली जो हम लेते हैं इसमें कैरेट्स को गाजर और पपाया जो है वो मेन सोर्स है किसका, विटामिन ए का। सेकेंड टाइप का जो विटामिन होगा वो होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड हम तब यूज करते हैं जब बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये वाटर सॉल्यूबल होता है, जबकि विटामिन ए क्या होता है, फैट सॉल्यूबल होता है। तो बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन बी इंक्लूड हैं, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये सब हमारे क्या हैं, इंक्लूडेड हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो हम फर्स्ट देखेंगे वो होगा विटामिन B1। ये वाटर सॉल्यूबल है विटामिन बी, तो इसकी मेजर अमाउंट में हमारी बॉडी को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं वो यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट होते रहते हैं, तो इसलिए इनकी डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में कंपेयर टू फैट सॉल्यूबल विटामिन। तो इसलिए हमें वाटर सॉल्यूबल विटामिन बी और सी जो होते हैं इनको कंटिन्यू अपने डाइट में क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, जिससे इनकी डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, तो यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं। तो विटामिन B1 जो है इसका केमिकल नेम है थायमिन, और इसके डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है बेरी बेरी। अब जो बेरी बेरी है इसमें क्या होता है, पेरिफेरल नर्व डैमेज, यानी कि जो हमारी नर्वस सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिससे पैरों में लकवा और हमारी जो भूख होती है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो भूख कम लगना और पैरों में लकवा, यानी कि नर्व डैमेज हो जाती है पेरिफेरल। तो इसके जो सोर्सेज हैं वो है यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। तो ये सब इसके क्या हैं, सोर्सेज हैं। तो जितने भी ग्रेन वगैरह होते हैं, और मिल्क ऑलमोस्ट सभी में आएगा। थर्ड टाइप है विटामिन B2। तो विटामिन B2 इसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन, इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है उसको कहते हैं चीलोसिस।
तो इस डिजीज में क्या होता है, जो हमारे माउथ की साइड्स होती हैं उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं, यानी कि दरारें पड़ने लगती हैं, और जो हमारी टंग होती है वो काफ़ी स्वोलन हो जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है उसमें, और साथ ही साथ जो है इसमें मुंह और होंठ जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, फटने लगते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो भी फिजिकल ग्रोथ होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है। इसके सोर्सेज हैं सोयाबीन, एग वाइट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल। तो ये किसके सोर्सेज हैं, विटामिन B2 के। नेक्स्ट है विटामिन B3, ये भी बी कॉम्प्लेक्स में ही इंक्लूड है। तो इसका जो केमिकल नेम है वो है नियासिन। इससे जो डिजीज होती है वो होती है पेलाग्रा, और इसके जो सोर्सेज हैं वो भी हैं सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, और साथ ही जो भी ग्रीन वेजिटेबल होते हैं लीफी, उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन B3। नेक्स्ट है विटामिन B5, इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, एंड इससे जो डिजीज होती है, सॉरी ये लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, डेफिशिएंसी डिजीज सोर्सेज में और सोर्सेज डेफिशिएंसी डिजीज में आ गए, तो आप इसको समझ लीजिएगा। तो इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो होती है इनएडिक्वेट ग्रोथ। इसमें जो ग्रोथ होती है वो इनएडिक्वेट मीन्स पूरी तरीके से नहीं होती है, यानी कि ग्रोथ में कमी हो जाती है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो है मशरूम्स, एग योक, जो येलो पार्ट होता है एग का, सनफ्लावर ऑयल। तो ये विटामिन B5 की क्या हैं, सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6, ये भी बी कॉम्प्लेक्स में ही इंक्लूड है। इसका केमिकल नेम है पायरीडॉक्सिन। तो पायरीडॉक्सिन इसको कहते हैं, इसकी जो डेफिशिएंसी से डिजीज होती है वो है एनीमिया। इसमें क्या होगा, डिसऑर्डरनेस इन नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो नर्वस सिस्टम होगा उसमें डिसऑर्डरनेस देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ वीकनेस, फटीग एंड अदर सिम्टम्स देखने को क्या होंगे, मिलेंगे। तो इसके जो सोर्सेज हैं वो है मीट, सीरियल्स, मिल्क, होल ग्रेन्स एंड एग। तो यहाँ पे सभी टाइप के ग्रेन्स इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है विटामिन B9, जो कि बी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। इससे भी जो डिजीज होती है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ही होती है। अब ये क्या है, ये एनीमिया का एक टाइप है। एनीमिया क्या है, जिसमें RBCs का लॉस होता है। आपने मेनली पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमारी RBCs जो होती हैं वो सिकल शेप, यानी कि दराती के शेप की हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, इनका शेप चेंज होने से ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती हैं ठीक से। तो इनके भी जो सोर्सेज हैं वो है एग, मीट, बीट रूट, सीरियल्स, यीस्ट। तो इसमें चुकंदर और क्या आएंगे, जितने भी टाइप के सीरियल्स हैं उनको हम इसमें लेंगे। नेक्स्ट है विटामिन B12। तो B12 को क्या कहते हैं, साइनोकोबालैमिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका केमिकल नेम है साइनोकोबालैमिन, क्योंकि इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो कोबाल्ट होता है। इसकी कमी से भी क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज एनीमिया ही होता है। इसको हम परनीसियस एनीमिया कहते हैं। इसमें जीभ और मुंह में क्या होने लगते हैं, छाले होने लगते हैं, और इसके सोर्सेज हैं फिश, मीट, एग्स, मिल्क, एटीसी। तो ये है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12 को क्या किया है, इंक्लूड किया है। इसके अलावा एक विटामिन B7 भी इसमें आता है, जिसको हम विटामिन एच भी कहते हैं, जिसको जिसका केमिकल नेम बायोटिन है। तो उसको भी हम बी कॉम्प्लेक्स में ही क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो ये बी कॉम्प्लेक्स के ही क्या हैं, पार्ट्स हैं। सो नेक्स्ट है विटामिन एच, इसको B7 भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम बायोटिन है। इससे होने वाली जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो है चिलाइटिस, जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग एंड डिप्रेशन। इसमें क्या होती है, थकान महसूस होती है, वेट में कमी आने लगती है, और डिप्रेशन जैसी सिम्टम्स दिखने लगते हैं। और इसके सोर्सेज है मेनली एग योक, जो येलोइश पार्ट होता है एग का, नट्स, लेग्यूम्स, ग्रेन्स, मशरूम्स। तो ये इसके क्या हैं, सोर्सेज हैं। अब बी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो अब नेक्स्ट विटामिन हम लेंगे विटामिन सी। विटामिन सी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। विटामिन सी का केमिकल नेम एग्जाम में पूछा जाता है, जो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो स्कर्वी,
स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स यानी कि हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, और स्किन डिजीज भी इसकी डेफिशिएंसी से होती हैं। इसके जो सोर्सेज हैं वो फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जितने भी ताजे खट्टे फल होते हैं वो किसके सोर्सेज हैं, विटामिन सी। इसका केमिकल नेम आप याद कर लीजिए, एस्कॉर्बिक एसिड। ऐसे याद कीजिए कि एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं, तो विटामिन सी के सोर्सेज भी क्या हैं, खट्टे फ्रूट्स ही हैं, तो इसलिए इसका नेम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होती है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो हड्डियां होती हैं वो मुलायम होने लगती हैं और झुकने लगती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये हड्डियों से रिलेटेड क्या है, बोन्स से रिलेटेड डिजीज है। और बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम, तो कैल्शियम से आप इसका केमिकल नेम याद रखेंगे, कैल्सीफेरॉल। इसके जो सोर्सेज हैं वो है फिश, एग योक, लिवर, सीरियल्स एंड सनलाइट। तो मेनली यहाँ पे सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होती है किसकी, विटामिन डी की। तो इससे सनलाइट बहुत ज़रूरी है विटामिन डी की फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही जो सप्लीमेंट्री सोर्सेज हैं वो है फिश, एग योक, लिवर एंड सीरियल्स। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो टोकोफेरॉल, इससे क्या डिजीज होती है, लेस फर्टिलिटी, यानी कि ये हमारी फर्टाइल एबिलिटी को कम कर देती है और साथ ही साथ हमारी मसल्स को वीक कर देती है। तो इसके जो सोर्सेज हैं वो पोटैटोज, पम्पकिंस, गुआवा, मिल्क, नट्स एंड सीड्स। जितने भी हमारे सीड्स होते हैं तो उनमें विटामिन ई जो है, मेनली जो ऑयल सीड्स होते हैं उनमें विटामिन ई जो है सफिशियंट अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है विटामिन के। इसका केमिकल नेम है फाइटोनएडियन, और इसकी जो डेफिशिएंसी से डिजीज होती है वो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि खून का थक्का नहीं बन पाता है, ब्लड की क्लॉटिंग रुक जाती है जिससे ब्लड लॉस होने लगता है। तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट है, तो वो है, या कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, वो है विटामिन के। और अगर पूछा जाए कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है कैल्शियम आयन। तो इससे जो डिजीज़ होगी वो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, या हम कहेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को बढ़ा देता है जिससे काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। इसके जो सोर्सेज हैं वो है टमेटोज, ब्रोकली, नट्स, बीफ एंड लैम्ब। तो ये तो थे हमारे डिफरेंट टाइप के विटामिन, जिसमें हमने विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ऑल टाइप्स के विटामिन को डिस्कस किया है, विद डिजीज एंड सोर्सेज। तो मेन यहाँ पे जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है वो है इनके केमिकल नेम। कि विटामिन टू टाइप के होते हैं मेनली, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको वाटर सोल्यूबल कहते हैं, जैसे विटामिन बी एंड सी। इनके अलावा कोई भी विटामिन वाटर सोल्यूबल नहीं होता, जबकि विटामिन ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। और विटामिन के अलावा मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लिए हैं जिनकी डेफिशिएंसी से भी हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती हैं। तो इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम किस लिए ज़रूरी है, हमारी बोन और टीथ में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है और स्ट्रेंथ देता है हमारी बोन और टीथ को। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन एंड टूथ डिके, यानी कि बोन ऑस्टोमलेसिया आपने सुना होगा, जिसमें बोन में क्या हो जाते हैं, पोर्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, और बोन काफ़ी वीक होने लगती है जिससे उसके टूटने की चांस बढ़ जाती हैं, और दांत भी धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। तो ये हमें कैल्शियम कहाँ से ऑब्टेन होता है, मेनली हमें डेयरी फूड्स यानी कि मिल्क, योगर्ट, चीज़, अदर डेयरी फूड से हमें ऑब्टेन होता है मेनली। इसके अलावा नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो ये कैल्शियम के क्या हैं, मेन सोर्सेज हैं। तो ये हमारी बॉडी में बोन और टीथ फॉर्मेशन के लिए मेनली क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है आयोडीन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो होती है गोइटर।
इस डिजीज में क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपियर स्वलन, तो हमारी गले में जो ग्लैंड होती है वो फूल जाती है। एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की जो मेंटल एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, इनके डिसेबल हो जाते हैं मेंटली, कौन, मेनली चिल्ड्रन। के जो सोर्सेज हैं वो है सी वीड, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो सी साइड में पाया जाता है, तो जितनी भी सी वीड से हमें ये मेनली पाए जाते हैं, एग्स में, फिश में, आयोडाइज्ड सॉल्ट में, तो ये मेन सोर्स हैं किसके, आयोडीन के। तो यही रीज़न है कि जो पहाड़ों में लोग रहते हैं उनमें गोइटर की जो समस्या होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू क्या, प्लेन्स में रहने वालों के, क्योंकि सी साइड के जितने भी क्या हैं प्लेसेस हैं वहाँ पे आयोडीन जो है सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वहाँ के वाटर में एंड अदर वीड्स में, जबकि पहाड़ी इलाकों में इसकी क्या होती है, कमी होती है। अब लास्ट है आयरन। वी नो दैट जो हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, या फिर हम कहेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे आरबीसीज को रेड कलर देने के लिए, उसमें मेन जो मेटल आयन होता है सेंट्रल, वो आयरन ही होता है। तो आयरन जो है वो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसकी जो डेफिशिएंसी से डिजीज होती है वो क्या होती है, एनीमिया। और एनीमिया, एनीमिया को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी जो मेनली सोर्सेज हैं वो हैं शेलफिश, स्पिनिच, लेग्यूम्स, रेड मीट, ईटीसी। तो ये था आज का टॉपिक जो था क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।